तो हेलो नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बना के दिखाने वाला हूँ सैलून शॉप का बैनर कैसे बनाया, क्योंकि इसके बारे में मुझे एक कमेंट आया था कि भाई एक सैलून शॉप का बैनर बना के दिखाओ। तो दोस्तों मैंने बैनर बना दिया है, आपने थंबनेल में देख लिया होगा। तो चलिए फटाफट जो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और इधर भी चलिए मैं अपने पिक्सल एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। इधर मेरा पिक्सल एप्लीकेशन है, इसको चलिए ओपन कर लेते हैं। तो इधर मेरा ओपन हो चुका है। और दोस्तों इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका जो पीएल फाइल डाउनलोड लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिलेगा, और उसमें जो पासवर्ड लगा हुआ है आपको पासवर्ड वीडियो में ही देखने के लिए मिलेगा। तो अभी दोस्तों बात कर लेते हैं कि भाई कुछ मुझे कमेंट आ रहा है कि भाई जो आपने पासवर्ड देते हो आप पीएल फाइल का जो पासवर्ड देते हो दोस्तों, यानी कि वैसे ही मुझे कमेंट आता है कि भाई आप जो पासवर्ड देते हो पीएल फाइल का वो आपका गलत रहता है दोस्तों। तो मुझे पता नहीं है कैसा आप क्या करते हो कि आपको जो गलत पासवर्ड दिखाता है, अगर मैं वही पासवर्ड वापस से यूज़ करता हूँ दोस्तों तो मुझे सही सब कुछ करेक्ट जो फाइल मेरा ऐड हो जाता है ओपन हो जाता है। लेकिन आप में क्या करते हो गलती कि आपको जो दोस्तों वो फाइल ही ओपन नहीं हो पाता है, आप क्या गलती करते हो? तो दोस्तों आप ध्यान से पहले आपको वीडियो देखिए, आपको वीडियो में जो पासवर्ड दिखाई दे रहा है आप वही पासवर्ड डाल के ओपन कीजिए, क्योंकि आप जो ओपन नहीं कर पा रहे हो इसलिए आपको जो पासवर्ड वाली फाइल जो कुछ ओपन नहीं हो रहा है। तो उसके लिए मुझे जब आप लोग कमेंट कर रहे हो भाई मैंने पासवर्ड जो सब कुछ जितना भी सारा वीडियो बनाया हुआ सब कुछ पासवर्ड में करेक्ट देता हूँ, क्योंकि जो मतलब कि मुझे पता है अगर मैं पासवर्ड गलत दूंगा तो दोस्तों मुझे उसके लिए जो है गलत गलत कमेंट आएंगे, ऐसा ऐसा मतलब कुछ समझ सकते हो अभी आप लोग। तो इसलिए मैं सब कुछ जो पासवर्ड हो सब कुछ करेक्ट देता हूँ, बस आपको ओपन करने का तरीका आपको नहीं पता है। तो आप जो मैंने एक वीडियो बना दिया है आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हो, और आपको उसका लिंक आई बटन पे भी मिल जाएगा, आप उधर से भी जाके देख सकते हो। तो अभी चलिए बात कर लेते दोस्तों अपने बैनर के बारे में। तो इधर मैं अपने पीएलई फाइल जो इस फोल्डर आइकन इस पर क्लिक करता हूँ, और इधर मैं सैलून बैनर करके पीएलई फाइल बनाया हुआ है तो इसको इधर ओपन कर लेता हूँ। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ, अगर आप ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपको ये वीडियो जो समझ में नहीं आएगा, अगर आपको इस वीडियो को समझना है ठीक से तो आपको एक आई बटन में वीडियो का लिंक मिलेगा जिस वीडियो का टाइटल दोस्तों आपका सवाल मेरा जवाब करके ऐसा ही कुछ टाइटल है। तो जाके पहले आप उस वीडियो को देखिए, देखने के बाद जो आपको ये वीडियो समझ में आ जाएगा। तो अभी दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं अपने बैनर के बारे में। तो इधर में दोस्तों सबसे पहले मैं इधर पर बात करता हूँ, इधर में मैंने जो लिखा हुआ प्रो और इधर में मोबाइल लिखा हुआ है मोबाइल नंबर, उसके नीचे मैंने अपना जो मतलब अपने हिसाब से ही मैंने अपने शॉप का नाम डाल दिया हुआ है, और बीच में एक श्री गणेश नमक आई का स्टिकर डाला हुआ है, और उसके नीचे मैंने कुछ एड्रेस लिखा हुआ है, उसके नीचे मैंने कुछ नोट में डाला हुआ है मतलब कि हमारे यहाँ क्या क्या किया जाता है मेरे जो है सैलून के शॉप में। और इधर मैंने कुछ जो स्टाइलिश के पीएनजी इमेज लगाए, सॉरी दोस्तों पीएनजी में नहीं बैकग्राउंड के इमेज ही है, तो इसको मैंने कुछ शेप में जो है ऐड किया हुआ है। तो दोस्तों ये जो मतलब कि कैसे कैसे आपको क्या क्या करना है तो चलिए मैं फटाफट आपको इधर पे बताता हूँ। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ इधर पे जो कुछ मैं आपको टेक्स्ट के बारे में बताऊँगा तो उसके लिए आप ध्यान से देखिए, तभी आपको जो ये वीडियो समझ में आएगा। तो अभी चलिए फटाफट जो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, और मैं आपको चलिए फटाफट बता देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इधर पर जो मैंने लिखा है प्रो सौरभ और मोबाइल नंबर, और इधर पर पता, और इधर पर जो यानी कि नोट दोस्तों ये सभी चेंज मतलब कि जो भी मैंने चारों टेक्स्ट आपको सिलेक्ट करके दिखाया इसको चेंज करने के लिए आपको एक ही तरीका यूज करना है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कौन सा तरीका है। तो आपको दोस्तों करना क्या है, आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा जिस एप्लीकेशन का नाम है इंडियन फोन कन्वर्टर, इधर पे स्क्रीन में आप देख सकते हो इसका लोगो, और आपको इसका जो डाउनलोड लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उधर से भी जाके डाउनलोड कर सकते हो। इसको आपको ओपन करना है, जैसे आप इसको ओपन करते हो तो आपके सामने जो ये एप्लीकेशन कुछ इस तरह से दिखाई देता है। अभी आपको इधर भी जो कई सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, तो इधर पर आपको पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, यूनिक कोड टू श्रीदेव करके ऑप्शन है, तो आपको उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, तो आपको ऊपर जो लिखा है टाइप यूनिकोड टेक्स्ट हियर करके लिखा गया है, तो आपको उधर पे टाइप करना है। जैसे आप उधर पे टाइप करोगे तो आपका कीबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। तो अभी आपको जो अपना कीबोर्ड है इंग्लिश में रहेगा तो उसको आपको हिंदी में करना होगा, उसके लिए आप अपने कीबोर्ड को हिंदी में कर लीजिए। तो मैंने अपना जो कीबोर्ड हिंदी में कर लिया हुआ इधर पर। तो दोस्तों हिंदी में करने के बाद अभी मैं आपको बताने वाला हूँ इधर पर जो है कि जैसे मैंने आपको अपने बैनर में जो चार टेक्स्ट को सिलेक्ट करके दिखाया हुआ था, एक पता था, एक जो मैंने मतलब लिखा हुआ था नोट में क्या क्या होता है, एक मोबाइल नंबर था, एक जो प्रो करके नाम था। तो इधर पे चलिए जैसे मैं प्रो करके नाम था जो उधर पे नाम चेंज करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे आप जो कुछ भी चेंज करना चाहते हो उसी तरीके से आपको जो चेंज करना है। सॉरी दोस्तों यहाँ पे टाइप नहीं करना था आपको, यहाँ पे आपको टाइपिंग करना था। तो इधर पे आपको ऐसे करके लिखना है, लिखने के बाद दोस्तों आपको इधर यूनिक कोड टू श्रीदेव का एक बीच में ये ऑप्शन मिल रहा है जिस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको नीचे वाले बॉक्स में जो उसका यूनिक कोड मिल जाएगा, आपको इधर पे कॉपी का एक ऑप्शन है आपको जिस पर क्लिक करके कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद दोस्तों आपको वापस से जो अपने पिक्सल एप्लीकेशन में आना है, तो इधर पे मेरा पिक्सल एप्लीकेशन कहाँ पे है इधर पे, तो चलिए पिक्सल एप्लीकेशन में आते हैं, इधर पे आ चुका हूँ मैं। तो अभी आपको करने का जैसे मैंने उधर पे प्रो के लिए यानी कि अपना ये नाम चेंज करने के लिए बता रहा हूँ, वैसे ही दोस्तों आप जो ए भी चेंज कर सकते हो मोबाइल नंबर, और ये एड्रेस भी चेंज कर सकते हो, और जो मैंने नोट में लिखा हो वो भी आप चेंजेस कर सकते हो। तो अभी चलिए नाम को चेंज करके मैं आपको दिखा रहा हूँ।
तो ये मैंने सिलेक्ट किया नाम को और इधर पे डबल टैप करता हूँ मैं नाम को और इधर पे जो अपना नाम लिखा हुआ मैंने उसको कट करता हूँ। प्रो तो रहेगा ही दोस्तों, क्योंकि वो जो प्रो मतलब कि है ही, उसलिए मैंने जो प्रो के लिए नहीं लिखा, बस खाली अपना नाम ही लिखा था उस एप्लीकेशन में। तो इधर मैंने अपना नाम लिखा, उधर पे ओके करता हूँ मैं। इधर पे देख सकते हो मेरा जो नाम चेंज हो चुका है अभी। तो आप इस तरीके से ये नाम चेंज कर सकते हो, ये भी चेंज कर सकते हो, ये भी चेंज कर सकते हो, ये भी चेंज कर सकते हो दोस्तों। आप इसी तरीके से चारों टेक्स्ट को चेंजेस कर सकते हो। अभी दोस्तों बात रही जो ये टेक्स्ट देख रहे हो आप, अगर आपको इसको चेंजेस करना है तो आप इसको कैसे चेंज करोगे, तो उसके लिए आपको करना है दोस्तों, आपको उसके लिए जो एक वेबसाइट की मदद लेनी पड़ेगी। उसके लिए दोस्तों आपको एक वेबसाइट का मदद लेना है। तो कौन सा वेबसाइट है, किस तरीके का है और कैसे यूज करना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों उसको यूज करने के लिए सबसे पहले आपके पास जो अपना नेट चालू करना है, आपको नेट चालू करने के बाद आपको जो अपना यूसी ब्राउजर या गूगल क्रोम या कोई भी आपके पास ब्राउजर है, या आप गूगल भी ओपन कर सकते हो। तो इधर पे चलिए जिसमें क्रोम ब्राउजर एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। ओपन करने बाद इधर पे होम पेज पे आप जैसे ही आते हो तो आपको जो इधर पे एक सर्च का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसपे आपको टाइप करना है और इधर पे आपको सर्च करना है आकृति देव कन्वर्टर, ऐसा लिख के आपको सर्च करना। चलिए मैं इधर पे सर्च कर लेता हूँ आकृति देव, इधर पे लिखा मैंने, उसके बाद कन्वर्टर लिखना है, कन्वर्टर इधर पे मैंने लिखा। उसके बाद आपको जो इधर को लिख के सर्च करना है, जैसे आप सर्च करते हो तो आपके सामने इधर पे जो एक वेबसाइट देखने को मिलता है आकृति देव का। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कौन सा वेबसाइट। जैसे मैं इसको जूम कर रहा हूँ, इधर पे आप देख सकते हो वेबसाइट का नाम है दोस्तों www.pramukhfontconverter.com करके, इधर पे आप देख सकते हो और नीचे लिखा गया है यूनिको टू आकृति देव प्रिया करके। तो दोस्तों आपको इसी वेबसाइट जो क्लिक करना है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको जो वेबसाइट है कुछ इधर पे मेरा लोडिंग कर रहा है अभी, तो इधर पे आप देखोगे तो कुछ इस तरह का ये जो वेबसाइट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अभी दोस्तों यहाँ पे आने के बाद अभी आपको करने का, आप इधर पे देख सकते हो एक साइड में आपको मराठी आकृति देव प्रिया टेक्स्ट लिखा गया है और दूसरे साइड में आपको मराठी यूनिकोड टेक्स्ट लिखा गया है। तो दोस्तों अभी आपको करने का, अभी आपको जो इधर पे आकृति देव प्रिया लिखा है इसके साइड में आपको एक छोटा सा डॉट है, जिस पे आपको क्लिक करके आपको इधर पे यूनिकोड सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको दूसरे वाले में देखो यूनिकोड सेलेक्ट है, तो आपको इस पे टैप करके जो आपको इधर पे आकृति देव प्रिया सेलेक्ट करना है। कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों अभी आपको जो पहला वाला बॉक्स देख रहे हो आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो कीबोर्ड इंग्लिश में आपको देखने के लिए मिलेगा, तो अभी आपको ये जो कीबोर्ड आपका है उसको हिंदी में करना है, टाइप करके हिंदी में करने। तो अभी दोस्तों आपको इधर पर जो नाम लिखना चाहते हो आप अपने बैनर में, जो भी आपको नाम लिखना है आपको नाम इधर पर टाइपिंग करके लिखना है। तो जैसे इधर मान लीजिए मैं एक नाम लिखता हूँ, इधर पर मैंने नाम लिखा और दोस्तों उधर मैंने अपने बैनर में जो लिखा था सैलून हेयर कटिंग ऐसे करके मैंने कुछ लिखा था, अपना नाम लिखा था सौरभ सैलून हेयर कटिंग करके। तो दोस्तों अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा है सौरभ सैलून हेयर कटिंग करके, तो उसके नीचे आप जो अपना हेयर कटिंग स्टाइलिश हेयर कटिंग ऐसा जो भी आपके पास नाम स्टाइलिश में आप उस डाल सकते हो। मैं फिलहाल आपको नाम चेंज करने के बारे में बता रहा हूँ, जैसे कि आप इधर पर चेंजेस कर सकते हो अगर आपको चेंज करना रहेगा तो। तो दोस्तों इधर पर मैंने कुछ इस तरह से नाम लिख लिया हुआ है। अभी आपको इधर पर जो दो एरो देखने के लिए मिलता है, आपको ऊपर वाले एरो पर आपको टैप करना है। जैसे आप टैप करोगे तो आपको जो पहला वाला बॉक्स आप देख रहे हो इधर पे, यानी सॉरी दोस्तों आपको दूसरा वाला जो ए बॉक्स देख रहे हो, आपको इस बॉक्स में कुछ यूनिकोड आपको देखने के लिए आपको मिलेगा। जैसे मैं इधर पे टाइप किया ऊपर वाले एरो में, तो इधर पे मुझे कुछ यूनिकोड मिल गया, तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब इसको कट करता हूँ दोस्तों, कट करने के बाद अभी आपको वापस अपने पिक्सल एप्लीकेशन में आना है और इधर भी मैंने दोस्तों अपना जो नाम लिखा हुआ है सौरभ हेयर कटिंग सैलून करके। तो आप इस नाम को अगर पूरे नाम को चेंज करना है तो आपको जो भी कुछ लिखना है आपको उस वेबसाइट पर जो हिंदी में टाइपिंग करके लिखना है और उसका यूनिकोड आपको इधर पे लाके पेस्ट करना है। अगर आप चाहते हो कि बस इधर पे जो मेरा नाम है सौरभ लिखा गया है, अगर आप बस उतना नाम ही चेंज करना है आपको, तो उधर पे आपको जाके कोई भी एक नाम डालना है, जो भी आपका नाम डालना चाहते हो आप अपने शॉप का सैलून शॉप का, आपको नाम डाल के इधर पे पेस्ट करके ओके करना है। जैसे आप ओके करोगे तो आपका जो नाम इधर पे चेंज हो जाएगा। तो इधर पे देखते हो मेरा जो नाम अभी चेंज हो चुका है। तो दोस्तों आप इस तरीके से जो अपना बैनर बना सकते हो, जो सैलून शॉप का बैनर बनाना है, तो इधर पे बाकी तो आप ये टेक्स्ट चेंज कर सकते हो, ये भी चेंजेस कर सकते हो। और दोस्तों रही बात अगर आप इमेज चेंज करना चाहते हो, अगर आपको इमेज पसंद नहीं आ रहा है तो ये आपको इमेज कैसे चेंज करना है, आपको करना क्या है, आपको इस इमेज को ऐसे ही कुछ सिलेक्ट करना है जैसे मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। सिलेक्ट करने के बाद आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको टेक्स्चर का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, जिस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो इधर पे आपको एक डिलीट का ऑप्शन मिलता है, जिस पर आपको क्लिक करके डिलीट करना है। उसके बाद आपको वापस से गैलरी का ऑप्शन है, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको दोस्तों जो भी आपके पास हेयर कटिंग स्टाइलिश मतलब इमेज है, आपको इमेज लेना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं ये वाला इमेज लेता हूँ। इधर पर लेने के बाद इसको थोड़ा सा मैं इधर पर क्रॉप कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। उसके बाद इधर मैं ओके करता हूँ, तो ये मेरा इमेज इधर पे जो आ चुका है और इधर मैं ओके कर दे रहा हूँ कुछ इस तरीके से, देख सकते हो स्क्रीन में। तो मेरा दूसरा जो इमेज चेंज हो चुका है, तो आप इस तरीके जो इमेज चेंज कर सकते हो दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों मेरा जो सैलून का बैनर, जो है कुछ बताना था मैंने आपको सब कुछ इस वीडियो में जो है बता दिया।
तो चलिए वीडियो को स्टॉप करते हैं। अगर आपको ये बैनर पसंद है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आने वाली हमारी हर एक वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये बैनर पसंद नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है दोस्तों थोड़ा मतलब कि ज़्यादा क्रिएटिविटी, ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं दिखने के लिए मिल रहा है, तो अगर दोस्तों आपको ये बैनर पसंद नहीं आया होगा, मुझे तो लग रहा है मतलब कि इसमें जो मैंने ज़्यादा क्रिएटिविटी नहीं किया हुआ है इसलिए थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। तो अगर आपके बैनर पसंद नहीं आया दोस्तों तो आपको कोई टेंशन लेने की बात, तो आपको एक जल्द ही नया वीडियो देखने के लिए मिला जिसमें मैं आपको स्टाइलिश में एक बोशर डिजाइन जो हेयर कटिंग का सैलून का ही बना के दिखाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों अभी एक वीडियो को स्टॉप करते हैं और आप थोड़ा वेट कीजिए, आपको जो एक नया वीडियो मिलेगा सैलून बैनर का ही। तो चलिए वीडियो देखने, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।